हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप ड्रामास अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए हम आ जाते हैं ब्लॉगर पर और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं फर्स्ट वेबसाइट पर। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर और न्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर टाइटल दे देते हैं और वही सेम टाइटल यहाँ भी लिखते हैं। तो ये डोमेन अवेलेबल नहीं हुई है तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं माय मूवीज़ वन और कुछ नंबर्स लिख देते हैं पर फिर भी अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद हम लिखते हैं माय डेली मूवीज़, उसके बाद वन लिखते हैं तो ये अवेलेबल है। तो इसके बाद इसे सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेव हो गया। स्टेट्स और लेआउट थीम सब कुछ आप देख सकते हैं, थीम्स। और अगर आपको कोई थीम पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। मुझे वो वाली पिछली पुरानी पसंद नहीं थी, ये अच्छी लग रही तो इसे मैं अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं लेआउट पर सेटिंग्स ये सब लाइक। तो हम न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं और ये जो हम आप कोई भी ड्रामा कर सकते हैं, हम ये वाला ड्रामा चूज़ करेंगे बिकॉज ये आजकल लाइक कोरियन ड्रामा है। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो इसका लाइक शॉर्ट कर देते हैं टाइटल और इसे कॉपी कर लेते हैं और नोट्स पर पेस्ट करते हैं। हम इसे नोट्स पर पेस्ट कर देंगे फर्स्ट, फिर से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ भी इसे लार्जेस्ट कर देते हैं, लार्ज ही रहने देते हैं आई थिंक, और इसे सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद हमें लाइक इसकी एक पिक्चर भी ज़रूरत होगी ड्रामा के लिए, लाइक उसका थंबनेल वगैरह के लिए। तो हम ड्रामा का नाम दें यहाँ लिख देते हैं, टाइटल वगैरह। तो ये पिक्चर हमें अच्छी लग रही है, ये कॉपी सेव कर लेंगे। उसके बाद हम कैनवा पे जाके इसे एडजस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पर आ जाते हैं और ये हमें यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद इसे मैं कर लूँगी सेव। ये देखिए इसे हम फ्लिक कर देते पर ऐसे अच्छे नहीं लग रहा, तो वैसे ही सही है। उसके बाद इस पर कुछ लाइक फिल्टर वगैरह लगा देती हूँ ताकि ये थोड़े सही डिफरेंट हो जाए और डिसेंट लगे। तो मुझे कुछ फिल्टर्स पर ये वाले अच्छे नहीं लग रहे, तो आई थिंक ये भी नहीं सही और ये सही लग रहा है। आई थिंक मुझे ये फ़िल्टर अच्छे लग रहे, तो इसके बाद इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे पिक्चर को। तो इसे और बड़ा करते हैं और इसे सेंटर में ले जाते हैं, तो सेंटर पर ही है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे पिक्चर का, ये ड्रामे का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम चल जा कॉपी कर लेते हैं इसका टाइटल और फिर हम कॉपी कर लेंगे और चल जाएँगे ChatGPT पर और यहाँ पर लिख देते हैं राइट ड्रामा, राइट अबाउट लिख देते हैं और उसके बाद ये ड्रामे का टाइटल पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसे हम और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि आपको भी नज़र आए, पर लाइक ये सही तरह पेस्ट नहीं हो रहा। इसे कट करके हम पहले नोट पैड पर पेस्ट करेंगे फिर यहाँ पर करेंगे। तो इसे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो इसे थोड़ा लाइक स्मॉल कर देते हैं या थोड़ा छोटा सा लाइक नॉर्मल रखते हैं इसे, नॉर्मल सही है। तो ये नॉर्मल सही लग रहा है। तो इसके बाद ये सारा टेक्स्ट देखने में कितना बोरिंग लग रहा है, तो इसको हर लाइन के बाद हम स्पेस दे देंगे ताकि लाइक सही लगे रीडर्स को, रीड करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं इसे हर लाइन के बाद हम स्पेस दे देते हैं, स्पेस देंगे या बिकॉज काफ़ी प्रोफेशनल वेबसाइट पर मैंने देखा है ऐसे ही लाइक आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं स्पेस देकर। तो इसे हम स्पेस दे देंगे, तो इसे भी स्पेस देंगे और इसे भी। तो
सारा लाइक जितने भी आर्टिकल्स आपको ऐसे ही स्पेस दे देंगी। तो ये बन गया हमारा प्रोफेशनल आर्टिकल। सो इसके बाद हमें लिंक पेस्ट करना है यहाँ पर ड्रामे का। उसके लिए हम चले जाते हैं स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप में। सो हमको हमें ड्रामा लिंक ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू वॉच क्लिक हेयर या। तो उसके बाद इसे लार्जेस्ट कर देते हैं क्लिक करके, लार्जेस्ट टेक्स्ट पर जाएंगे लार्जेस्ट। उसके बाद इसको सेंटर में कर देते हैं, सेंटर में ही है। और इसके बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं, तो ये येलो हो गया है। उसके बाद यहाँ पर लिंक पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। तो ये जिस ड्रामे में जो ड्रामा आपको लाइक ऐड करना है उसमें आकर शेयर करके लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ये जो दो बॉक्स दिख रहे हैं इन पर लाइक यस कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये लिंक ऐड हो गई है। जैसे ही ऐसा इंटरफेस आए समझे लिंक ऐड हो गई है। तो उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे, न्यू ब्लॉग पर करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम चेक करते हैं कि हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अब हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक हेयर, तो ये आ गया है ड्रामा। तो देख सकते हैं ये सारा आ गया है। तो आफ्टर और आप ये सारा स्टेप जैसे ही फॉलो कर लेंगे आपको मोनेटाइज करनी होगी वेबसाइट। तो जैसे ही आपको मोनेटाइज करनी होगी आपको लाइक गूगल एड्स से, आई डोंट थिंक सो कि गूगल एडसेंस से आपकी ये वेबसाइट मूवीज़ वाली वेबसाइट मोनेटाइज होती है। तो आपको एड स्टीरा आपकी हर वेबसाइट कॉपी पेस्ट वेबसाइट भी मोनेटाइज करता है। तो आप एड स्टीरा से आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं जैस यहाँ पर आप एड स्टीरा पर आ जाएंगे और यहाँ पर बहुत से आर्टिकल्स दिखे हैं बेनिफिट ऑफ एड स्टीरा कि आपको क्यों मोनेटाइज करना चाहिए इससे और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको एड स्टीरा से मोनेटाइज करके। और आप देख सकते हैं और आई थिंक एड स्टीरा ज़्यादा पैसे देता है कंपेयर टू गूगल एडसेंस। और आप देख सकते हैं ये सारा लाइक यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर बेनिफिट्स, रेफरल प्रोग्राम, आप रेफरल कर भी पैसे कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए मज़ीद वीडियोस देखने के लिए।